बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सेशन वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के ऊपर है कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर हमने कैसे बनाना है और उसके बाद उसका इफेक्टिव यूज़ हमें किस तरीके से करना है। तो एक्चुअली आपको रिमोट एक्सेस के लिए, यानी कि रिमोट एक्सेस से मुराद बेसिकली ये होती है कि जिस मार्केट प्लेस को हम एक्सेस करने लगे, फॉर एग्जांपल ईबे को या अमेजोन को या किसी पेमेंट मेथड को अगर हम करने लगे हैं, जैसे हमारा पेपॉल है, हमारी पेमेंट सर्विसेज, तो जो रेस्ट्रिक्टेड होती हैं कि जो किसी कंट्री में रेस्ट्रिक्टेड है, वो चाहे पाकिस्तान है या कोई भी और जगह, तो वहाँ अगर आपने बैठ के उस वाले क्या नाम है मार्केट प्लेस को आपने एक्सेस करना हो, तो ये आसिफ भाई का बीच में मैसेज आया हुआ है कि रीज्वाइनिंग, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, आप लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे थे। तो उस काम के लिए हमें जरूरत पड़ती है कि भाई हम यानी कि रिमोट एक्सेस करें। रिमोट एक्सेस के लिए बेहतरीन ऑप्शन तो ये होता है कि आपके पास कोई वहाँ पे मशीन पड़ी हो और आप उसको यहाँ से एक्सेस कर रहे हो। तो इस मेथड को आमतौर पर कोई भी जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है वो डिटेक्ट नहीं कर पाती। अच्छा सेकंड, उसके बाद जो ज़्यादा सेफ ऑप्शन आता है वो होता है वीपीएस का, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर का। और भी मेथड्स हैं लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, तो इसमें हम यानी कि उसकी बात करें तो ज़रा रेंज में आते हैं। अच्छा उसके बाद एक तीसरा मेथड भी है जो बेसिकली वीपीएन का है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू भी आप ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन जो वीपीएन हैं वो समटाइम्स डिटेक्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर एक जो नॉर्मल ऑप्शन जो हमारे सामने बचता है, वो हमारे सामने बचता है वीपीएस का, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर का। ठीक हो गया। तो अभी पहले ना मैं यहाँ पे स्क्रीन ओपन करके यहाँ पे हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं वहाँ। जस्ट अ मिनट। आपने स्क्रीन शेयर की भी है, मुझे नजर नहीं आ रही। अगर नहीं आप नहीं हाँ जी, वो मैं स्क्रीन अभी शेयर करने लगा हूँ। तो अच्छा जी, आपने लिंक सेंड किया है जिस यूपीएस वाले का, हाँ जी हाँ जी, मैं ये अच्छा। हाँ जी मैं अभी बताने लगा हूँ इसका। ये असल में अभी हनान भाई जब अपना वीपीएस साइन अप करने लगेंगे ना, तो वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके और फिर वो इसके थ्रू जाएंगे। अभी फिलहाल जस्ट मैं आपको वैसे ही एक ओवरव्यू सा दे दूँ जरा। अच्छा कासिम भाई, मेरे पास नहीं आया है लिंक ना अभी। ये उसमें आया है जो हमारा ग्रुप है ना ईबीसी बैच फोर अच्छा का। अच्छा उसमें आया। हाँ जी। अच्छा जो हम वीपीएस क्लाउड यूज़ करते हैं, ये बेसिकली एक क्लाउड सर्विस है, इसका नाम है कामातेरा, कामातेरा परफॉर्मेंस क्लाउड, राइट। ये चूंकि मैं पिछले कोई 1.5 साल से या शायद ज़्यादा टाइम हो गया अराउंड, ठीक है, यूज़ कर रहा हूँ इसे, तो इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल। और यानी कि ये मुझे ऑनलाइन सर्च ही मैंने किया था, काफ़ी सारे मैंने वीपीएस देखे थे, तो उसमें मुझे ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल लगे थे और बहुत बेहतर लगे थे। लेकिन उसके बाद तो भी चूंकि मैंने इन्हें एक्सटेंसिवली यूज़ किया और अब हमारे स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं, तो मतलब ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और इसका है ये कि भाई आप इधर पाकिस्तान में बैठे हुए, मतलब जहाँ जहाँ पे इनके सर्वर्स पड़े हुए थे पूरी दुनिया में, तो आप यहाँ से बैठे बैठे अपने जितनी मर्जी पीसी बना लिया। और इसकी खूबसूरत बात ये होती है कि ये 30 डे फ्री ट्रायल होता है, यानी कि कार्ड तो आपको अटैच करना पड़ता है लेकिन पहला महीना ही आपसे चार्ज नहीं करना, राइट। तो आप ज़रा पहले इसकी थोड़ी सी शक्ल वगैरह देख लें, फिर हम ये कि हनान भाई का बकायदा वो करते हैं। अच्छा हनान भाई, जब हम आपका साइन अप करने लगे और जब हम उस पॉइंट पे हैं जहाँ पे अपने अपनी कार्ड डिटेल एंटर करनी है, तो जी आपने मुझे जी याद करवा देना, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर दूँगा ताकि वो चीज़ें रिकॉर्डिंग में ना आए, क्योंकि ऑब्वियसली चले, रिकॉर्डिंग जो है ये फिर हमारे जो सक्सेस पब्लिक होंगे। वीडियो रिपोजिटरी है उसमें शेयर होती है। जी जी ठीक है। अच्छा ये बेसिकली ना हमारा डैशबोर्ड होता है कि भाई जो हमें ये शो कर रहा होता है कि हमारे कितने पीसी चल रहे हैं। अभी फिलहाल हमारा एक चल रहा है, अभी चलना कहते हैं मैंने अभी टर्मिनेट किए हैं। वो मैंने टर्मिनेट इसलिए किए हैं कि अब हमने यूएस में कुछ पीसी रखी है और इसी तरीके से हमने यूके के अंदर कहते हैं कुछ पीसी वगैरह रख लिए हैं हमने। ठीक हो गया।
इस वजह से मैंने उन्हें टर्मिनेट कर दिया और अभी इस वक्त सिर्फ एक VPS यूज कर रहा हूँ। तो ये जो डैशबोर्ड जो है वो यहाँ पे ये सारी चीजें करने शो कर रही है। सेकेंड होता है कि ना ये आपके टास्क क्यू, आपका जो भी कोई टास्क उस वक्त कहते हैं चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई VPS बनाया, शट डाउन किया, ऑन किया, तो वो सबकी सब चीजें यहाँ पे शो हो रही है, राइट। अच्छा, अब ये एक बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जहां से आप अपने VPS को ऑन ऑफ करते हैं, बनाते हैं, ये कुछ भी आप करते हैं। एक्सेस आप यहाँ से नहीं करते, एक्सेस का तरीका रिमोट डेस्कटॉप से, ठीक हो गया। अरे इसमें होता है ये कि ये आप माई क्लाउड पे आते हैं, अब यहाँ पे सर्वर्स हैं, नेटवर्क्स हैं, हार्ड डिस्क लाइब्रेरी है, पाइथन न्यू सर्वर डेस्कटॉप, राइट। आपने बेसिकली न्यू डेस्कटॉप बनाना होता है क्योंकि आपका काम सिर्फ एक डेस्कटॉप पीसी से चल जाता है आपका। ये एक तरीके से ना एक पूरा वर्चुअल पीसी बन जाता है, राइट, जिसके तमाम फिंगरप्रिंट्स सेपरेट होते हैं। फिंगरप्रिंट्स हम बेसिकली कहते हैं कि वो कुछ ऐसे आइडेंटिफायर्स होते हैं कि जो हमारी मशीन से, जो हमारी फिजिकल या वर्चुअल मशीन से ट्रांसमिट हो जाते हैं उन मार्केट प्लेसेस को, या वाली मार्केट प्लेसेस हैं वो वाली फिंगरप्रिंट्स उठाती हैं ये चेक करने के लिए कि क्या ये एक अलहदा से एक इंडिपेंडेंट पीसी है और कोई तो हमारा ब्लॉक्ड या रेस्ट्रिक्टेड पीसी तो नहीं है या लैपटॉप तो नहीं है, राइट। तो हम लोग बोलते हैं फिंगरप्रिंट्स। तो ये आपका होता कहते हैं क्रिएट अ न्यू डेस्कटॉप, यहाँ पे आप आके क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ना आपके पास जोन है डिफरेंट, एशिया के अंदर सिर्फ इस कंपनी का जो यानी कि सर्विसेज हैं वो हांगकांग में है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर कनाडा और मतलब ये तीन स्टेट्स हैं, टेक्सास है, सांता क्लारा है और न्यूयॉर्क है, यूरोप के अंदर लंदन, फ्रैंकफर्ट और एम्स्टरडेम, और मिडिल ईस्ट के अंदर सारे इसराइल के अंदर ही, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं यानी कि आपने अब ऑब्वियसली अगर सेलिंग करनी है, वैसे तो मतलब आप किसी भी अलाउड कंट्री का बना सकते हैं, बेहतरीन ये है कि जिस कंट्री की डिटेल्स हैं आप उसी ही कंट्री का VPS लें, राइट। और अगर इन तीन स्टेट में से किसी की आपके पास डिटेल्स है तो फिर बेहतर है कि आप उसी का लें, वरना आप ये कोई भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सेलेक्ट कर लिया टेक्सास, उसके बाद जनाब हमारा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, राइट। विंडोज का जो वर्जन है वो हम विंडोज 10 की बजाय विंडोज 8.1 हमारे लिए काफ़ी लगेगी, क्योंकि अगर हम विंडोज 10 करेंगे तो हमें चार्जेस थोड़े से ज़्यादा लगेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे चूज सर्वर स्पेसिफिकेशंस, ये बेसिकली आपका जो क्या नाम है CPU है ना, ये उसकी उसकी है स्पेसिफिकेशन। अच्छा, आप इधर आए तो ये अभी ने ना इसकी टाइप्स बताई हैं। टाइप बी होता है जनरल पर्पस, राइट। ये बेसिकली है CPU थ्रेड विद रिजर्व रिसोर्सेज गारंटीड। फिर टाइप डी है हमारा डेडिकेटेड फिजिकल CPU कोर, टू थ्रेड्स विद द रिजर्व रिसोर्सेज गारंटीड। फिर टाइप थ्री है बर्स्टेबल, और टाइप ए यानी कहते हैं आपको टाइप बी चाहिए जिसमें आपका सर्वर CPUs आर असाइन टू अ डेडिकेट फिजिकल CPU, CPU थ्रेड विद रिजर्व रिसोर्सेज गारंटीड, राइट। तो आप इसमें बी चूज करेंगे। आप इसे देखो दोबारा डी देख लें क्योंकि मैं आपका फिर से बात बना रहा हूँ। सर्वर CPU आर असाइन टू अ डेडिकेटेड फिजिकल CPU कोर, टू थ्रेड्स विद रिजर्व रिसोर्सेज गारंटीड। सर्वर CPU आर असाइन टू डेडिकेटेड CPU, टू थ्रेड्स, नहीं बस ठीक है, आप कहते हैं बी लेंगे। अच्छा, अब आपने अपने इस पीसी के अंदर एक CPU लगाना है या दो CPU लगाना है या 24 लगाने हैं, हमें एक ही चाहिए। अच्छा, उसके बाद रैम आपकी कितनी होनी चाहिए, अगर जैसे 2 GB से आपका कहते काम चल जाता है वो इसलिए कि आपने सिर्फ यहाँ पे अपनी मार्केट प्लेस ओपन करनी होती है बस, लेकिन आपके पास इतनी सारी मतलब ऑप्शन मौजूद हैं। हार्ड ड्राइव यहाँ पे SSD डिस्क हैं जो बेसिकली बहुत फास्ट ड्राइव होती हैं, तो यहाँ पे मिनिमम ऑप्शन भी आपके पास 30 GB का। अब आपका अगर कोई ऐसा काम है, फॉर एग्जाम्पल कल कल आप अगर ईबे के यूज़ के अलावा अगर आपकी और यूजेज में भी आप इसे लेते हैं, अगर आपने कोई इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स बनानी है अमेरिका की, या आपने फेसबुक की बनानी है, या मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ है कि जैसे आपने एक्सेस इस तरीके से आपने करना है, उसमें आपने डेली बैकअप्स लेने हैं या कोई मैनेजमेंट सर्विसेज आप इनसे लेंगे तो आप एक्टिव कर सकते हैं, हमें फिलहाल जरूरत नहीं है इसकी।
चूज नेटवर्किंग पब्लिक इंटरनेट नेटवर्क और एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, बस यहाँ पे आके आपने अपना पासवर्ड और दोबारा पासवर्ड देना है, और उसके बाद ये सर्वर आपका मतलब एक ही बनना है, और जो भी आप नाम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रखना चाह रहे हो यहाँ पे आप इसका नाम रख देंगे, फॉर एग्जाम्पल हनान ईबे यूएसए, राइट, तो वो यहाँ पे नाम आ जाएगा। उसके बाद ये बिलिंग साइकिल है, ये जैसे हम ये सारी चीज़ें एक्टिव कर लेते हैं तो फिर हमारा ये बिलिंग साइकिल, ये जो ग्रे हुआ है ये भी एक्टिव हो जाता है। इसमें एक मंथली बिलिंग होती है और एक आवरली बिलिंग होती है। मैं वैसे मेनली सेलेक्ट करता हूँ आवरली बिलिंग को, क्योंकि आवरली बिलिंग के अंदर ये होता है कि जब आप इसे यूज़ कर रहे हैं उस वक्त आपको चार्जेस पड़ रहे हैं, जब आप इसे ऑफ कर देते हैं तो ऑफ करने की सूरत में आपको बहुत कम पर आवर चार्जेस पड़ते हैं, यानी कि एक महीने में आपका शायद कोई कोई $7 के आसपास आपको पड़ता है, अगर आपका सारा महीना बंद रहा है। अच्छा, अगर सारा महीना मुसलसल चलता रहे तो फिर आपको मतलब उसी के लिहाज से चार्ज होता है, राइट। और अगर आपने इसको जब यूज़ किया तब ऑन किया, और जब यूज़ नहीं कर रहे थे तब आपने इसे ऑफ कर लिया तो फिर अकॉर्डिंगली कहते चार्ज होता, ठीक हो गया। और उसके बाद आप आपके ये क्रिएट सर्वर का बटन दबाते हैं और आपका सर्वर तैयार हो जाता, ठीक हो गया। तो ये आपका था कामातिया परफॉर्मेंस क्लाउड, और अब इसे मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ और मैं अभी कंट्रोल देता हूँ हनान भाई को। हनान भाई आप एक काम करें, आप अभी उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ये जरा ओपन कर लें, जब ओपन हो जाए फिर मुझे बताएं ताकि फिर मैं ये आपको, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जी सर, ये मेरा हो गया ओपन, सही हो गया। चले मैं भी आपको कंट्रोल आपको देने लगा हूँ, अब्दुल हनान कंट्रोल आ गया आपके पास, एक मिनट मैं, नहीं ये तो कंट्रोल आपके पास है ना, आपको शेयरिंग शेयरिंग का ऑप्शन देना, सॉरी एक मिनट आप तो थोड़े ये सब ना आपके पास यानी कि शेयरिंग का ऑप्शन नहीं आया, कंट्रोल आया, मैं एक मिनट आपको जरा शेयरिंग का ऑप्शन दे दूँ, आप थोड़े ओके आप होस्ट हैं बाद में। अब मैं स्क्रीन शेयर करा देता हूँ अपनी। हाँ जी, हाँ स्क्रीन शेयर की ऑप्शन क्यों नहीं आ रही यहाँ पे, वैसे तो बॉटम पे आ जाती है। अच्छा हाँ सॉरी, मैं यहाँ से स्टॉप शेयर कर दिया मैंने, अब आएगी आपके पास। जी सर आ गई। हाँ जी आ गई जी, मेरी स्क्रीन आ गई है मेरा, ठीक हो गया। अच्छा जी आपने बस ठीक है, अब आप साइन अप करें, प्लीज साइन अप। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, एक एवोल्यूशनरी मॉडल है जो आप लोगों ने कहते हैं जहन में रखना है आपने। अब जैसे ये जो परफॉर्मेंस क्लाउड है ना, ये वाला कामातिया VPS, इस पे आप आ रहे हैं, आपने इसके ऊपर लॉगिन करना ही करना है, आप इसके ऊपर आ रहे हैं, आपको कहते हैं फर्स्ट 30 डेज के लिए ये फ्री मिलना है, राइट। अभी ये लिंक जो मैंने आपको भेजा ना, ये बेसिकली है एफिलिएट लिंक है। एफिलिएट लिंक से मुराद क्या होती है कि यानी कि अब आप इसके ऊपर जब भी आपकी बिलिंग स्टार्ट होगी तब ये जिस बंदे का एफिलिएट लिंक है उसको उसमें से कुछ शेयर जाना शुरू होगा। अच्छा आपको बिल उतना ही पढ़ना है, राइट। अच्छा अब आप लोगों ने आइंदा क्या करना है, जब भी आपके पास टाइम हो आपने इनके एफिलिएट प्रोग्राम में खुद को भी एनरोल कर लेना, ताकि अगर कल कभी आपको ये रेफर करना पड़ता है किसी को या आपको किसी को इसके हवाले से बताना पड़ता है तो आप अपना एफिलिएट लिंक दें, क्योंकि ये बेसिकली वो इनकम स्ट्रीम्स होती हैं कि जिसके ऊपर आपकी कोई खास एफर्ट नहीं लगती और अगले बंदे के भी कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते, राइट। उसके उन्हीं चार्जेस के अंदर से ही जो उस कंपनी को अदरवाइज भी जाने हैं
उसमें से कहते हैं आपके पास ये आने शुरू हो जाते हैं। तो आप ये यूज़ करें या कोई सा भी यूज़ करें तो आप हमेशा चेक कर लिया करें क्या उसमें एफिलिएट प्लान है, एफिलिएट अगर उनका प्रोग्राम हो तो आप उसमें जाके एनरोल कर लिया करें, ठीक है उसका। एक तरह से रॉयल्टी होगी कासिम भाई? रॉयल्टी नहीं, आप मतलब इसका जो स्पेसिफिक वर्ड यूज़ होगा वो होगा कि एक रेजिडुअल इनकम हो जाती है ये आपकी, मतलब इसमें यानी कि जब भी आपकी तरफ से इन्हें बिल जा रहा होगा तो उसमें से एक सर्टन पोर्शन जो है ये जिस बंदे का ये वाला एफिलिएट लिंक है उसको जा रहा होगा। ओके, रेफरल्स हो जाएंगे एक तरह से? रेफरल्स आएंगे बेसिकली, रेजिडुअल इनकम है, रेफरल कमीशन बोलते हैं। ये ईबे में भी है, मतलब ईबे के एफिलिएट प्रोग्राम्स भी हैं। चले आप ये जाके अपनी वेरिफिकेशन को वैलिडेट करें। हाँ जी हाँ जी, अच्छा आप जब इसे यूज़ कर रहे होते हैं जूम को तो आपने अगर कोई एक जिसे कहते हैं कि क्रोम की को अगर कोई एक विंडो शो करानी है तो सर आप बेशक आप उसे सेलेक्ट कर लिया करें। स्क्रीन शेयरिंग में तो है ना कि जो भी कुछ आपकी स्क्रीन में सामने आ रहा होगा जी जी, तो उसमें ये कि ना अगर फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ क्रोम शेयर कराया तो जब आप क्रोम मिनिमाइज कर देंगे तो फिर ब्लैक स्क्रीन हमें नज़र आएगी, और अगर आप स्क्रीन शेयर कराते हैं तो फिर स्क्रीन पर जो भी कुछ होता है वो नजर आ रहा हूँ। ये बस आपके नॉलेज के लिए। ओके, यहाँ से हम लिंक को वैलिडेट कर लेते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया हम लोगों ने। हाँ जी, अब आपने ऐड बिलिंग प्रोफाइल, ऐड बिलिंग प्रोफाइल करेंगे हम लोग। नाम शामा दे लें, जहाँ कार्ड देना होगा वहाँ फिर हम इसे रिकॉर्डिंग पॉज कर दें। एड्रेस हमने फुल देना होगा यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी, पॉज कर दें सर, एड्रेस का देना सबको सर। जी सर, खैर है हनान भाई एक वैसे भी जानी मानी शख्सियत है तो एड्रेस का देना पूरा सबको दिखाना सर। इन्होंने के सब मेरे घर पे आके खड़े हो जाएं, बताएं तो कोई वो चूजे वीडियो नहीं थी आपने देखी सनी लेके चूजे वाली वीडियो? नहीं नहीं कसम भाई, नहीं नहीं मुझे नहीं पता सर। वो चूजे वाली वीडियो एड्रेस सब देके पहुंच जाएंगे मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। इसको हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पे ये कोड मांगेगा वेरिफिकेशन, तो मोबाइल नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ और सेंड पे क्लिक करते हैं तो मोबाइल पे कोड आ जाना चाहिए। इसको हम सबमिट कर देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। चलें अब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉज कर दूँ। अच्छा अभी ऐसा है कि ईमेल आपने कर दी हुई है हनान भाई, और जैसे ही ये उसे अप्रूव कर देते हैं तो ये सारी चीज़ जो ग्रे हुई है ये हमारी फिर ब्लैक हो जाएगी और ये सारी चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी। जैसे ही एक्टिव होती है तो जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको कि माई क्लाउड पे आपने आके उसके बाद फिर आपने क्रिएट डेस्कटॉप कर लेने, क्रिएट सर्वर ना कीजिएगा, वैसे $2-3 एक्स्ट्रा पड़ते हैं और सर्वर की ऐसा ज़रूरत भी नहीं है, तो आपको ज़रूरत है डेस्कटॉप की, तो मतलब वो आपने क्रिएट कर लेना है आपने, और जैसे वो हो जाएगा तो फिर आपने उसका जो पासवर्ड और ऑब्वियसली यूजर नेम पासवर्ड वो आपके ब्रेन में रहे, और आपने जो बिलिंग मेथड जो करना है वो आपने आवरली मेथड करना है, अगर से कल क्लास चेंज भी कर सकते हैं जाके, लेकिन आपने कहते हैं आवरली मेथड करना है। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। तो चलें हम अभी ना फिर बात आगे बढ़ाते हैं, अगर मीनवाइल अगर आपकी अप्रूवल आ गया तो हम फिर इसको भी देख लेंगे, वरना फिर ये क्या वो उसको देखते हैं। आप फिर ज़रा मुझे दोबारा होस्ट बना दें ताकि मैं फिर उधर से जाके आपको दिखा दूँ।
जी सर आप आ गए इसको मैं होस्ट बन गया हूं राइट ये स्टॉक ये शेयरिंग कर दूं मैं हां यदि आप शेयरिंग स्टॉप कर दें अच्छा अब यानी कि आप इधर आ जाएंगे क्रिएट न्यू डेस्कटॉप के ऊपर और यानी कि ओवरली बिलिंग साइकिल आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है इसे शो कर रहा है कि 0.036 डॉलर पर आवर है अगर बंद रहता है और अगर मुसलसल ऑन रहता है तो फिर वो 26 डॉलर इसमें कासिम भाई हम लोग जो लोकेशन है वो क्या सेलेक्ट करेंगे अगर आपने अगर आपके पास डिटेल्स वहाँ की हैं यूएसए की हाँ जी तो अगर अगर कहते कनाडा की है तो बेहतर आप कहते हैं वो कनाडा का ही करें तो उसकी वजह यह है कि जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो बेसिकली कनाडा के फिर जा रहे हैं उनके पास में बिल्कुल ठीक है और जिन्होंने चाइना से बनाना है ऐसा भी आप चाइना से बना रहे होंगे तो आपके पास ये है कवर्ड रहेगी अच्छा इनकी ना कहते हैं स्पोर्ट भी अच्छी है कभी आपको अगर आपको कभी कोई इशू हो ना तो ये माई टिकट्स पे आप आ गए तो अगर आपकी कोई टिकट्स वगैरह जो आपने सबमिट की होती हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाती हैं जो भी उनका स्टेटस होता है राइट और आपने अगर न्यू टिकट क्रिएट करनी होती तब जहाँ क्लिक करते हैं ये क्रिएट न्यू टिकट अभी सामने आ जाएगा टिकट से मुराद ये होता है कि आपने कोई अपना मसला ओपन किया हुआ है और उसका फिर जो भी स्टेटस होता है तो वो सॉल्व है सबमिटेड है या जो भी है तो वो आपको यहाँ पे कभी शो कर देते हैं अच्छा अब जब आपका ये वाला सर्वर बन जाता है तो अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे जो हमारे एग्जिस्टिंग सर्वर्स हैं इसमें अगर मैं यहाँ पे आता हूँ ओपन पे अगर मैंने किया क्लिक तो ये मेरा ना कहते हैं पब्लिक आईपी शो हो रहा है और अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये कॉपी कर देता है ये पब्लिक आईपी ठीक है यानी कि ये यूनिक ग्लोबली यूनिक आईपी एड्रेस है इस वाले सर्वर के लिए या पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे होंगे अगर आप इसे कॉल करेंगे तो आप इस वाले सर्वर तक पहुँच जाएंगे अच्छा अब आप यहाँ तक तो कहते हैं क्लियर है ना आपको अच्छा सर्वर किस केस में बनाते हैं और आप डेस्कटॉप किस केस में बनाते हैं सर्वर तो अगर आपके कोई यानी कि ऐसे कोई एक्टिविटीज आपने कर रही है जिसके लिए आपको सर्वर की जरूरत पड़ती है राइट तो फिर तो आप सर्वर वाली साइड पे आप जाएंगे अदरवाइज आपने तो एक जैसा एक सिंपल आपके लैपटॉप है डेस्कटॉप है ठीक है तो वो एक तरीके से आप वही सिंपल वर्चुअल डेस्कटॉप बना रहे हैं तो उसके लिए फिर आप यानी कि डेस्कटॉप के ऊपर आप आ जाते हैं सर्वर थोड़ा सा आप करेंगे एडवांस लेवल चीज है कोई तरह हमारे यूज होने में आते अच्छा अब आपको कहते हैं मैं बताऊं कि अब आपने इसे एक्सेस कैसे करना है हनन भाई आप साथ साथ ऐसे दो चार मिनट के बाद देखते रहिएगा अगर आपको ईमेल आ जाए तो ठीक है तो मैं कहीं जरा शेयरिंग कर लूँ मुझे वैसे इन कंफर्मेशन की ईमेल आई है कि टिकट आपकी ओपन हो गई है अच्छा 48 आवर्स लिखा है ना ये इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर के अंदर ही कर देंगे आप ना जरा वहाँ पे लॉग इन स्क्रीन पे जाके देख लीजिएगा कि या वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा या ये जो है ना यहाँ पे माय टिकट्स इसमें आप देख लीजिएगा जो ये आप देख रहे हैं ना माय टिकट्स जी जी हाँ स्पोर्ट हाँ जी तो मतलब ये तो अच्छा वैसे तो अभी मेरी स्पोर्ट भी बंद है बट मैं होम पेज पे क्लिक करके देख लेता हूँ कि क्या सूरत हाल है हाँ जी वो बस आप फिर यानी कि देखते रहिएगा साथ के साथ मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अच्छा जी अब आपने ये जो अब आपका सर्वर बन गया ये ऐसे ही है कि जैसे कंप्यूटर बन गया आपने रखा हुआ है ठीक है इस कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए आपको चाहिए होता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल राइट आप सर्च में आए यहाँ पे आपके आपने लिखा RDP अगर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आ गया आप में से अगर किसी ने इसको एनी डेस्क के साथ भी चेक करना हो ना तो आप इसे बेसिक एनी डेस्क के साथ भी चेक कीजिएगा कि इस वाले सर्वर के ऊपर इस डेस्कटॉप पे एनी डेस्क इंस्टॉल कर दीजिएगा और फिर चेक कीजिएगा कि यहाँ से एक्सेस होता अच्छा हम इसे मतलब इस तरह की स्क्रीन आएगी कि सामने कंप्यूटर नेम में आपने डाल देना ये वाला आईपी एड्रेस ठीक है और जब आप ये वाला आईपी एड्रेस डाल देंगे तो आप फिर दबाएंगे कनेक्ट अभी कनेक्ट का बटन दबाने से पहले मैं जाके वाला सर्वर ऑन कर दूं जस्ट अ मिनट ये सर्वर इस वक्त आप देख रहे हैं रेड स्क्वायर है इसका मतलब है ये ऑफ है इसे क्लिक किया ये मैंने पावर ऑन का बटन दबाया
ये जो मेरा टास्क क्यू है ना, इसमें शो हो रहा है कि ये रनिंग, मतलब अभी ऑन हो रहा है। अब ये जैसे कहते हैं ऑन हो रहा है, और मैं जैसे जाके अब अगर मैं डबल क्लिक करूँगा, ये जो मेरा बना हुआ था लिंक, ये जो ऑलरेडी ये जो मेरा बना हुआ है ना, इसके ऊपर मैंने जाके किया डबल क्लिक किया, तो ये भी हमारा सर्वर ऑन कर देगा। ऐसे ये लोड होता है। और ये जनाब हम अमेरिका पहुंच गए, ठीक है। अब ये मतलब एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आपके मतलब कोई भी आइडियाज हैं, कोई भी इमेजिनेशन किसी भी लेवल के ऊपर आप ले लें, अगर आपने कोई चीज़ अमेरिका के अंदर बैठ के करनी है, तो इस भी आपका पीसी अमेरिका के अंदर है। और ये बिल्कुल अमेजोन को ऐसे ही लग रहा है, ईबे को ऐसे लग रहा है, किसी को भी ऐसे लगेगा कि जैसे आप अमेरिका में ही बैठे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपने यहाँ पे आगे कहा कि डियर व्हाट इज माई आईपी, जैसे आपका आईपी 138.128 और ये आ रहा है, ठीक है। आप अगर कहते हैं कि मेरी आईपी लोकेशन सारा क्या तो है। है हाँ जी, 20 वाला है। अच्छा कश्मीर सैफ भाई ने एक चीज मेंशन की थी कि आपने 6 60 दिनों के लिए अपना इंटरनेट और डेस्कटॉप या लैपटॉप जो है उसको चेंज नहीं करना, ना ही इंटरनेट कनेक्शन चेंज करना है, इसका क्या मतलब है? हाँ जी, उसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट होता है न्यू, राइट। अच्छा, मैं उसका आंसर देने से सबसे पहले, ये आप देख रहे हैं, सिटी है डैलस और रीजन है टेक्सास, राइट। ये अभी हमने कहते हैं चेक किया, हमने सब पूछा कि व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, और मेरी कहते हैं इस वक्त आईपी लोकेशन क्या है, तो ये इस वक्त आपको दिखा रहा है। तो इस वक्त आप फिजिकली तो पाकिस्तान में बैठे हैं, और वर्चुअली यू आर सिटिंग इन यूएसए। अच्छा, उसका मतलब ये है कि वैसे तो ईबे की पॉलिसी के मुताबिक कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल, यानी कि अगर किसी अलाउड कंट्री में बैठे हैं, तो आप अगर कोई मतलब आईपी एड्रेस वगैरह चेंज करते हैं या कोई भी चीज़ चेंज करके आप कर रहे होते हैं, तो आपको मसला नहीं होगा, होना नहीं चाहिए। बट आर एक्सपीरियंस शोज के ईबे का ना कोई भी फ्लैग रेज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक दफ़ा हमारे एक स्टूडेंट थे, तो वो लिस्टिंग कर रहे थे, तो लिस्टिंग करते करते ना, यानी कि वो लिस्टिंग फाइनली अपलोड नहीं हो रही थी, मतलब जो हमारी फाइनली वो जो हम करते हैं सेव करते हैं। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि नहीं, इमेजेस इमेजेस जो है ना, वो उनके वो नहीं हो रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने जनाब क्या किया कि उन्होंने क्रोम से हट के वो चले गए फायरफॉक्स में, फायरफॉक्स में गए जाके जनाब अभी लिस्टिंग को ओपन करके किया, इधर से लिस्टिंग को फाइनल करने का बटन दबाया, तो साथ ही जनाब ईबे ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। यानी कि ईबे के पास एक फ्लैग रेज हुआ कि ये एक न्यू अकाउंट है, ये पहले तो एक और ब्राउजर के ऊपर कर रहा था, और अब यानी कि उसको ना एक डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स गए उसे, ठीक है। तो नए अकाउंट्स के ऊपर ना वो बहुत ज़्यादा आप कह लेंगे वो होता है। लेकिन जब हमने वीपीएस से कनेक्ट करके कर रहे होंगे तो उसको फिंगरप्रिंट तो वही मिलेंगे, जब आप वीपीएस या से आप कर इसका रहे मतलब होंगे, तो आपने सिर्फ एक ही ब्राउजर यूज करना है, क्रोम या फायरफॉक्स, जो भी आपको अच्छा लगता है, एक एक ब्राउजर, एक वीपीएस। वीपीएस जब आपने साइन अप कर लिया ना, तो आपने 60 डेज के लिए इसे हटना नहीं है, फर्स्ट 60 डेज। फिजिकल लैपटॉप पाकिस्तान में कहीं भी घूम रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया में कहीं भी वीपीएस घूम रहा हो, और हाँ वीपीएस पे एक ही ब्राउजर और वही सेम वीपीएस ही होना चाहिए उस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए जो मैंने खोला हुआ है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। गलती से भी कहते हैं समझ आपने गया लोकल लिंक खोल देना, वरना कहते हैं आपके साथ कुछ भी हो सकता है, समझ गया। ठीक ठीक हो गया। तो ये इसको कहते हैं हम उसके अंदर आ गए, और ये हमने फिजिकली टेस्ट भी कर लिया कि सब्सिडी डैलस है, रीजन टैक्सेस है, ठीक है। तो ये जनाब इसको कहते हैं मैंने बंद किया। अच्छा, ये इस वक्त ना यहाँ पे ब्राउजर डाउन हुआ है वीपीएस के अंदर। ये जब मैं यहाँ पे कर्सर ऊपर लेके आता हूँ पॉइंटर, तो ये जो हमारा रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन जो जो बना हुआ है, ये उसकी विंडो नीचे हो जाती है। अगर आपने इसको ऐसे करना हो ना कि ये इस वक्त यहाँ पे पिन हो गया, ये अनपिन हो गया, मैं नीचे लेके जाऊँगा तो ये बंद हो जाएगा, ऊपर लेके जाऊँगा तो शो होगा, और ये बेसिकली कनेक्शन स्ट्रेंथ शो कर रहा हो। अच्छा, अब आपने इसको जब भी बंद करना है, तो आपने पहले यहाँ पे आके आपने इसे करना है शट डाउन, शट डाउन।
ये शटडाउन हो गया वहां से, और अगर आपने अगर ओवरली बिलिंग ऑन की हुई है तो वहां से आपने शटडाउन करना है, और आपने फिर यहाँ पे अपने ब्राउजर पे यहाँ पे आपने आके क्लिक करके कामाते जैसे आके पावर ऑफ कर देना, ताकि आपको जब तक आप आके इसको नहीं बताएंगे ना कि वो ऑफ है, तो आपको ना फिर ऑन का चार्ज पड़ता रहेगा आपको, क्योंकि वो टर्न ऑन है, क्योंकि टर्न ऑफ का चार्ज बहुत कम है और टर्न ऑन का चार्ज ज़्यादा है। ठीक हो गया, तो हनान भी एक नज़र देख लें, नहीं तो ये कह रहा ये चीज़ें आपको कहते मैंने बता दी हैं सारी, और आप लोग इसको कहते हैं अच्छा आपने साइनअप करना है उसी वाले एफिलिएट लिंक से, और जब भी आप लोगों के पास टाइम हो आप बेशक अपने भी एफिलिएट लिंक बना लीजिएगा, ताकि ये आपकी एक जो छोटी छोटी साइड इनकम्स है ये भी कहते हैं चलती रहे साथ साथ, और आपको एफिलिएट की भी अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो। और बाकी एफिलिएट का लिंक कहाँ से इसमें मिलेगा हमें एफिलिएट का लिंक बनाने के लिए? ये आप कहते हैं इसकी साइट पे जाए काम आती कमी आ पाए, मेरे हाथ में लॉग इन करके अंदर से ही मिलेगा? नहीं नहीं वो आपने एक अलग प्लेटफॉर्म है, अंदर से नहीं वो यहाँ से नहीं, वो अलग से होता है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल इसको मैंने बंद किया और मैंने ओपन किया नेम क्या थी, लैंडिंग पेज आ गया इनका, इसमें जब आप आ गए थे ना बिल्कुल नीचे, तो यहाँ इनका कहीं एफिलिएट आ गया पार्टनर प्रोग्राम, ये एफिलिएट प्रोग्राम, ये रिसेलर प्रोग्राम एफिलिएट प्रोग्राम, तो इसमें जो चीज़ आपको लगता है कि आप इसके अंदर कहते काम कर सकते हैं उसमें आप बेहतर है कि एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर आ जाइए। ठीक है, तो ये इसका कहते सारा प्रोसीजर था इसका, और अब इसमें आप में से फिर जिन लोगों ने VPS रजिस्टर करना होगा वो इस तरीके के साथ इसे कर लें, और फिर रिमोट डेस्कटॉप पे जाके जहाँ पे कंप्यूटर नहीं है वहाँ पे आप अपना IP एड्रेस डाल देंगे, आप कहते हैं क्लिक करेंगे वो फिर आपसे ना आपका लॉगिन नेम और पासवर्ड मांगेंगे, तो लॉगिन नेम आपका एडमिनिस्ट्रेटर होगा, पूरा एडमिनिस्ट्रेटर, तो ध्यान करना गलती नहीं करनी, वो एक आधा आर या ओ भी पीछे हो जाए ना तो आप नहीं, आपको फिर परेशानी होगी कि यार ये क्या है। तो एडमिनिस्ट्रेटर के स्पेलिंग एहतियातन अगर आप टाइप करते हुए आपको लग रहा हो कि कोई गलती हो रही है तो बेशक गूगल पे लिख के सही स्पेलिंग उठा के वहाँ पे लिख दीजिएगा, और उसके बाद जो आपने उसमें पासवर्ड एंटर करना है, पासवर्ड आपने वो एंटर करना है जो आपने यानी कि कामा तीरा ये जब आपने बोला VPS डेस्कटॉप बनाया होगा उसमें जो आपने पासवर्ड दिया होगा तो वही पासवर्ड आपने यहाँ पर एंटर करना है। ठीक हो गया, तो आप आराम से इसके अंदर लैंड कर जाएंगे, राइट। तो ये हमारा VPS के हवाले से सेशन था, और इसमें हनान भी आप एक दफ़ा देख ले, नहीं है तो फिर हम देख रहा हूँ, हाँ जी अभी तक नहीं हुआ और अभी कोई ईमेल भी नहीं आई, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद। चले बाज़ बाज़ कहते हैं वो फ़ौरन से रिप्लाई कर देते हैं, बाज़ बाज़ थोड़ा सा कहते हैं वो टाइम लेते हैं, और चूँकि अभी तो वीकेंड भी नहीं है, वीकेंड होता भी चले उसके बाद इशू होता है। ठीक है, अगर कुछ हाँ जी हाँ जी, हमने जब ये ईबी अकाउंट बनाना है तो उससे पहले ये ऑन करके फिर हमने वो उसको शुरू करना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ना ये आपकी वो मशीन है या तो वो लैपटॉप है जिसके ऊपर आपने काम करना है, और इस लैपटॉप को इस मशीन को इस पीसी को आप पाकिस्तान में नहीं रख सकते, आपका अगर अकाउंट की डिटेल्स अगर चाइना की है तो बेहतरीन यही होगा कि वो चाइना का हो, तो उसका तरीकाकार ये एक है हमारे पास अच्छा तरीकाकार। और हमने तो, इसी VPN पे जाके अपना ईबे का अकाउंट बनाना है और पेपॉल का अकाउंट बनाना है? नहीं, ये VPS है, VPS के ब्राउजर से जाके नहीं बनाना हम लोगों ने? हाँ नहीं नहीं, आप ये आपने वर्ड बोला VPN वर्चुअल मशीन में, हाँ सॉरी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर में आपने जाके VPS में मैंने जाके और उस डेस्कटॉप मशीन पे बैठ के मैंने अपना ईबे भी बनाना है और दूसरा पेपॉल भी बनाना है मैंने। हाँ, अगर पेपॉल पहले से नहीं है तो फिर ऐसे आपने बनाना है, अगर पहले से तो उसे सिंबल अटैच हो देगा, और इस चीज़ का अपने खास तौर पे ध्यान रखें, बाज़ औक़ात चूँकि नए नए आप इसके साथ सोशलाइज हो रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात कोई ऐसा लिंक होता है या ऐसी कोई चीज़ होती है जो आपने ओपन करनी होती है
अपने VPS में लाके, तो आप गलती से वो खोल लेते हैं लोकल ब्राउजर में जो आपका अगर पाकिस्तान का, ठीक है। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स क्योंकि वो पहले हो चुकी हैं बहुत सारे लोगों से, तो आप लोगों ने एहतियात करनी है, आपने कोशिश करनी है कि आप एरर फ्री रहें इस मामले में। अच्छा कासिम भाई, पहला महीना तो वैसे ही फ्री है, तो हम पहला महीना तो कोशिश ये कर सकते हैं कि इसको सारा टाइम इसको ऑन रखें। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे से गलती ना हो जो भी। ये पता लगा ना, एक मैनेजमेंट एंड फाइनेंस के बंदे ने बात की। बिल्कुल आप कर सकते हैं। और उसके बाद नहीं, उसमें ना इनकी एक कोई रेस्ट्रिक्शन है, कोई $100 समथिंग, लेकिन उसमें ये जो आप वाला ये जो है डेस्कटॉप जो है ये उसके अंदर कवर होता है, मतलब ये आप उसे पूरा महीना ऑन रख सकते हैं, आपको उसके चार्जेस नहीं पड़े। सही। अच्छा कासिम, दूसरी आप ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहे थे कि कुछ इस तरह की है होलसेल, इस तरह की कंपनीज है US में जो जो के स्टॉक प्रोवाइड करती है, तो वो उस हवाले से क्या है कुछ हमें इस कोर्स में हमें करेंगे हम? हाँ जी, उसमें ना असल में ऐसे बात इस तरह से है कि ईबे इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है कि मैं समझ अगले 5 साल अगर मैं इसकी मतलब स्किल ही लेता रहूँ ना, तो वो नहीं ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, इस वक्त ना कहते हैं हमने एक जो इंतहाई एसेंशियल मॉडल और एक मेच्योर अंदाज से कि जिससे ना कहते पैसे जनरेट होने शुरू हो गए, यानी कि एक वो कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो कि हाँ यार यहाँ से अर्निंग हो सकती है, सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम बन सकती है, राइट। तो अभी तक आपको जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं या जो आगे सिखाई जा रही हैं, उसमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और बाकी है कि ये तो अब सप्लायर्स वाली बात है, अब ये जितने आप सप्लायर्स करें ढूंढ लें, और उसमें यह कि हम यानी कि कॉन्टीन्यूसली क्योंकि हमारा जो अपना बिजनेस है वो इस तरह की हंटिंग जैसा कि मामला द्वारा साथ साथ देख रहा होता है, मतलब न्यू रिसर्च का जैसे जैसे टाइम में मिल रहा होता है वो भी कर रहे होते हैं, और जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशन का जारी सी बात है वो भी सारे के सारे चीज़ें देखते होते हैं। तो उसमें ये है कि अभी जैसे सैफ भाई ने अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग बताई, आपको ऑनलाइन आर्बिट्राज बताई, अभी इस वक्त ना सबसे बड़ी आप कह लें कि अपॉर्चुनिटी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है ये बैच 4 में से वो ऐसे भाई आपके ऊपर आ सकती है, और आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि जैसे ही इंशाल्लाह आप थोड़े से इसके अंदर मजीद आपका एक्सपीरियंस बन जाता है और मेच्योर हो जाते हैं आप, तो आपको तो शायद चाइना के अंदर ही, शायद उधर आपने फ्लैट के आसपास ही आपको वहाँ पे कुछ ऐसे लोग मिल रहे हैं कि जिन्होंने डिफरेंट गुड सेलेबल चीज़ें अपने फ्लैट्स में रखी हुई, ये आपने छोटे छोटे वेयर हाउसेज बनाए हैं उसके अंदर रखी हुई, और वो अमेरिका वगैरह में या UK वगैरह में चाइना से भेजते हैं आइटम बाई आइटम, ठीक है ना? बिल्कुल, वो उस पर बिल्कुल इंशाल्लाह उस पे वर्क करेंगे, लेकिन मैं वही वेट कर रहा हूं कि हम स्टॉक पे जब जाते हैं ना उसका पूरा क्राइटेरिया जब समझ आ जाता है। स्टॉक और चीज है, स्टॉक तो बिल्कुल और चीज है, स्टॉक तो हो जाएगा ना, क्या एक आपने मतलब 1000 पीस का ऑर्डर दिया और वो बनवा के एक इतनी अच्छी प्राइसिंग के ऊपर और आपने अपने पास US के अंदर रखा और US में रखे कहते हैं आप सेल कर रहे हैं, वो एक सेपरेट चीज है। ये जो मैंने अभी ये जो बात की है ये बात है बेसिकली ड्रॉप शिपिंग, राइट। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली क्या है कि प्रोडक्ट वो कहते हैं आपके पास या उधर आपके किसी सेलर के पास फिजिकली मौजूद है, राइट, सही, और ऑर्डर आने के ऊपर वो आपके नाम से भेज रहा है, सही, ठीक है। तो ये चीज मतलब जैसे अभी एक्सप्रेस से चीज जा रही है वैसे ही वो जा रही है चाइना से जा रही है। हाँ जी हाँ जी, लोकेशन चाइना है। तो आपके लिए तो ये आपके पास तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि अभी यानी कि ये 3 बैचेस 4 बैचेस के ये जितने स्टूडेंट्स होंगे उसके बाद आगे कहते हैं लोग आ रहे हैं, तो आप तो चाइना में बैठे हुए फिर ऊपर से आपकी जो क्या कहते हैं डॉक्टरेट जो आपकी डिग्री PhD जो है वो भी फिर वो इंटरनेशनल कॉमर्स एंड ट्रेड है ना आपका? जी जी, मेरा यानी टीचिंग मेरा इंटरनेशनल बिजनेस है। हाँ जी हाँ, तो वो मतलब ये आपकी तो बहुत रेलिवेंट चीज़ें बन रही हैं ये सारी ना, वो सब एक डैमी और इंडस्ट्री का कहते हैं लिंक। बस मैं जैसे ही चाइना जाता हूं तो फिर ये चीजें ज्यादा क्लियरली सामने आएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक है, फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। बाकी यही है कि हनान भाई ने जिस तरह से किया इसी तरीके से इसे कहते हैं आपने करना, और अगर कोई इशू होगा तो बेशक आप फिर यानी कि मुझे ऑनलाइन ले लीजिएगा या कोई भी टीम से बंदा ऑनलाइन होके तो वाला मसला हल कर देगा। या हनन भाई ये भी हो सकता है कि जब आप देखते हैं ना कि ये बिलिंग ऑन हो गई है तो कल ऐसे ना कोई 10-15 मिनट्स के लिए यानी कि स्टार्ट में आके तो मैं ये चीज़ करवा दूंगा,
बल्कि आप मैं फिर अभी इसको रजिस्टर नहीं करूंगा, मैं इसको होल्ड कर लूंगा जैसे ये एक्टिव होती है, तो कल वाले सेशन में हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे अगर आप कहते हैं, मैं भी पीसी नहीं बनाऊंगा उसमें, कल शायद मेरी एक एंगेजमेंट हो उसमें, फिर ऐसा है कि मेरी भरपूर कोशिश होगी कि जो स्टार्टिंग यानी कि 15 मिनट्स हैं उसमें कहते मैं आऊं और हम गेम चीज कर लें। फॉर एग्जांपल अगर मेरी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती तो आपने क्या करना है, ये जो मैंने स्टेप्स बताए थे तो आप लोगों ने ये चीज़ लाइव कर लेनी है, राइट? बिल्कुल जी, आगे तो सिंपल सी चीज़ है सारी, ठीक है? बिल्कुल जी, ये इंशाल्लाह हो जाएगी, जैसे इसके होता है अगर आज रात को जाता है तो इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल ठीक। चलें फिर हम सेशन एंड करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा।